देखो प्लॉट ऑफ फोटोग्राफ वर्सेस पोटेंशियल आपका इस तरह से आया था, हमने देख लिया था बहुत इसके बारे में, ठीक है ना। इस वाले प्लॉट का एनालिसिस हम कर चुके हैं, राइट साइड वाले प्लॉट, ठीक है, कि जब आपने इसको बढ़ाते गए तो एक बढ़ती गई करंट, एक स्टेज बाद करंट कांस्टेंट हो गई, वो करंट क्या कहलाती है, सेचुरेशन करंट कहलाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोलरिटी को उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको नेगेटिव कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आपकी जो करंट है, देखो अब जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ करंट डिटेक्ट हो रही थी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी थी ना इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो कुछ यहाँ तक पहुंच जा रहे थे, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है प्लस नहीं लगाऊंगा तो यहाँ तक कुछ नहीं पहुंच रहे थे, यहाँ कोई हमेशा हर हर इलेक्ट्रॉन कोई जीरो वेलोसिटी से निकल रहा था, कुछ ना कुछ था उसके पास, तो पहुंच जा रहे थे, बस बहुत कम पहुंच रहे थे। फिर आपने बैटरी लगाई तो जहाँ पर सेकेंड ज्यादा पहुंचने लग गया, तो करंट बढ़ना शुरू, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये करंट खत्म ही कर देनी है, कि जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, मैं चाहता हूँ उनको बंद कर दूँ। तो सीधी तरीका तो यही है कि यहाँ पर भी नेगेटिव पोटेंशियल लगाओ, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्जन होगा, वह जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका अपोजिशन होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इसमें, तो इसको आप पोटेंशियल को नेगेटिव बढ़ाते जाओगे, नेगेटिव साइड बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। नेगेटिव साइड बढ़ाते जा रहे हो, तो बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल फोटो करंट एकदम जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। देखो ये पार्ट बहुत सिंपल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब मैंने बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दिए, तब मैं कह रहा हूँ कि अब बताओ आप क्या होगा। तो अब आपको एक पोटेंशियल निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल, इससे ज्यादा और करोगे तो करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, करंट जीरो ही रहे, ठीक है ना। एक मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल एट विच करंट इन दिस ट्यूब बिकम जीरो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये बहुत बड़ी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे कहानी को बिल्कुल, हाँ, कि जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, तो बेसिकली आपका फील्ड जब आपने यहाँ नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, जब आपने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया ना, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था Fe, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे Fe फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, देखने बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो ये Fe फोर्स उनको क्या कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पहुंचे ही ना, मतलब ये कुछ लेंथ मान लेते हैं, लेट्स से डी डिस्टेंस मान लेते, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, तो वही आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें से जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, अगर वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया तो बाकी कम काइनेटिक एनर्जी वाले तो कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो बस आप जो ये करो, सरफेस पे जस्ट होगा मिनिमम, उसकी सबसे ज्यादा हाँ वो जस्ट मिनिमम के लिए आप ये करो कि मैक्सिमम निकलने वाले की जस्ट यहाँ पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिखो आप इलेक्ट्रॉन को, सिस्टम ले लो, वर्क एनर्जी थ्योरम सब बच्चों को आती, कि इलेक्ट्रॉन पर सारे फोर्सेस का वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या लग रहा है, उस पर एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेट से डिस्प्लेसमेंट डी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। माइनस किसको रोकना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, देख रहे हैं बेटा किस तरीके से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है ना। अभी इस प्रोसेस को ध्यान से समझो, नहीं तो फिर अगला सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे, बिल्कुल गलत करोगे, समझ ही नहीं पाओगे कि अगर आपने ये नहीं समझा ना जिस तरीके से मैं आपको एग्जैक्टली निकाल के बता रहा हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जस्ट यहाँ पर पहुंच के जीरो हो जाए, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी जस्ट यहाँ पर पहुंच के जीरो हो जाए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकल,
ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसलिए लिख दोगे माइनस ई ई इंटू डी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने, अगर मान लो न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट गिर रही तो मैक्सिमम यही निकली, अच्छा एच न्यू माइनस फाइनो। ठीक है, तो ई इंटू डी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या यही होता है ना, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई वी नॉट कितना आ गया आपका, ई वी नॉट आ गया एच न्यू माइनस फाई नॉट आ गया। तो ये होता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, मिनिमम वो नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जितनी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन की है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उतनी इंपॉर्टेंस इसकी भी है आपकी, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को बताओ, बात क्लियर है नो बिल्कुल, सर, कोई डाउट? नो सर, ओके बेटा, तो आपको ये दोनों पार्ट याद रखने हैं कि नेगेटिव देखो हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक कुछ भी नेगेटिव नहीं लगाओगे तो भी कुछ पहुंच रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप इतना पोटेंशियल कर दोगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल रहे हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम भी यही स्टॉप करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, यहाँ से आप पढ़ेंगे, मैं कल पढ़ा भी दूंगा, नहीं तो ये सब लिख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए आगे का मैटर, पढ़ाने का सब यही पढ़ा है। ठीक है ना, पहला लेक्चर मैंने फाइनली खत्म ही कर दिया, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ये बस ये थोड़ा सा बताना है, नहीं ये भी बता दिया मैंने, सब बता दिया बेटा, इसमें कुछ नहीं छोड़ा, तो ये नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है आपके हेल्प के लिए। ठीक है, बोला है वो रिकॉर्डेड भी है, बट नोट्स के लिए आप यहाँ से इन लैंग्वेजेस की हेल्प लेके भी बना सकते हैं। डेफिनेशन बताई थी मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डेफिनेशन नीचे से लिख लेनी है थ्योरी से, बोर्ड में जैसे लिखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं और वर्क फंक्शन क्या होता है, ये सब अच्छी तरह, बहुत छोटा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत ही कंसाइज। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छी तरह नोट बना लेंगे, इनकी हेल्प लैंग्वेजेस की आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें सब वही लिखा हुआ है ऊपर जो पढ़ा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इस बातों में, चलिए तो फटाफट जाइए, इसको सेंटर जाना है। ठीक है, और बाकी लोग इसको नोट्स करने में लग जाइए, अन्ना आप मुझे कॉल कर लीजिए कौन से डाउट पूछने थे आप। यस ठीक है बेटा, सर, थैंक चलो एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यू सर, थैंक ओके यू ओके सर, थैंक बेटा, यू सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।